जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा झंडा रोहन, तिरंगा रोहन किया जाता है। तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर ध्वजारोहण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था और मध्य प्रांत एवं बरार की राजधानी थी नागपुर। तो इस प्रकार से नागपुर में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, तो यह है नागपुर, नागपुर में ध्वजारोहण करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, नागपुर के सीताबर्डी में, नागपुर के सीताबर्डी में ध्वजारोहण करते हैं मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। मुख्यमंत्री नागपुर के सीताबर्डी में ध्वजारोहण करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, ये है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा मध्य प्रांत एवं बरार की राजधानी नागपुर में ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त 1947 को, सीताबर्डी नागपुर। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है दुर्ग, यह आपका देखना है दुर्ग, दुर्ग में ध्वजारोहण करते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग में ध्वजारोहण किया जाता है घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा। घनश्याम सिंह गुप्त यह है विधानसभा अध्यक्ष। घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा दुर्ग में ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, यह देखना है बिलासपुर, ये देखते हैं बिलासपुर, बिलासपुर में ध्वजारोहण किया जाता है पंडित राम गोपाल तिवारी के द्वारा। संसदीय सचिव पंडित राम गोपाल तिवारी के द्वारा बिलासपुर में ध्वजारोहण किया जाता है। बिलासपुर में 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया जाता है संसदीय सचिव पंडित राम गोपाल तिवारी के द्वारा। रायपुर में दो स्थानों पर ध्वजारोहण होता है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में दो स्थानों पर ध्वजारोहण होता है। पहला देखते हैं, पहला है गांधी चौक रायपुर, रायपुर के गांधी चौक में ध्वजारोहण किया जाता है वामन राव लाखे के द्वारा। वामन राव
लाखे के द्वारा रायपुर के गांधी चौक में ध्वजारोहण किया जाता है। रायपुर के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया जाता है खाद्य मंत्री आर के पाटिल के द्वारा। आर के पाटिल जो होते हैं मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री आर के पाटिल के द्वारा रायपुर स्थित पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया जाता है। तो इस प्रकार से रायपुर में दो स्थानों पर ध्वजारोहण होता है। रायपुर के गांधी चौक में 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण करते हैं वामन राव लाखे तथा पुलिस लाइन रायपुर में ध्वजारोहण करते हैं खाद्य मंत्री आर के पाटिल। तो सबसे पहले ध्वजारोहण यहां पर देखते हैं, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है नागपुर के सीता बड्डी में। घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है दुर्ग में। संसदीय सचिव पंडित रामगोपाल तिवारी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है बिलासपुर में। रायपुर के गांधी चौक में ध्वजारोहण करते हैं वामन राव लाखे। रायपुर के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करते हैं खाद्य मंत्री आर के पाटिल। तो इस प्रकार से भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। जय हिंद, जय भारत।